नमस्कार, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है और मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था बिकॉज मेरे ने एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पास एक वीडियो आई है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे ज़िले के बगल में ही ज़िला है और वहाँ पर ना एक इतनी दर्दनाक वीडियो आई है, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा है, इतनी दर्दनाक वीडियो है कि पूरी गेहूं की फसल ही जल के खाक हो गई। ये कैसे हुई, क्या हुआ, उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं उस पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा और जो मेरे विचार हैं मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं, जो शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं ज़्यादातर होते हैं जो हमारा बहुत सारे खेतों के आसपास ना ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ट्रांसफार्मर के आसपास का जो एरिया है, अगर हम उसको ये सुनिश्चित कर दें कि वहाँ पे साफ़ है, तो अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता भी है तो वहाँ पे आपको आग अगर लग भी जाए तो ज़्यादा फैलेगी नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप मजदूर लगा रहे हैं ना, ये सुनिश्चित करें कहीं उनके जेब में माचिस या फिर बीड़ी का बंडल तो नहीं है। पहली बात तो मैं खुद पीता नहीं हूँ और ना मैं किसी को पीने की सलाह देता हूँ। अगर दोस्तों, अगर आप भी पीते हैं तो ना पिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कहने में जितना आसान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को तरस खाते हैं खुद की ज़िंदगी पे, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, वो अलग टॉपिक है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीड़ी पिए या फिर सिगरेट पी रहे हैं ना, उसको बुझा दें, कहीं भी ऐसे मत फेंकिए। क्या होता है गांव में रास्ते के किनारे किनारे फसल लगी हुई है, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाइक पे पीते हुए जा रहे हैं या गाड़ी में पी रहे हैं, तो उठा के बाहर ना फेंकें उसको। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप उसको बुझा के ही फेंकें, सुनिश्चित कर लें कि बुझ गई है। आपकी छोटी सी कोशिश, मेरी एक छोटी सी कोशिश जो है ना, हो सकता है कि कुछ लोगों का बचा दे, मतलब फसल है ना। मैं बस यही विनती करने के लिए आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो कितनी दर्दनाक है आप खुद ही देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो वीडियो है ना, बिल्कुल रूह कांप जा रही है इसको देखने मात्र से ही। आप सोचिए, जिस किसान की फसल ख़राब हुई है उस किसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। पहले तो उन्होंने उस फसल को कैसे उपजाया होगा, कितनी अच्छी फसल दिख रही थी, है ना, लेकिन जल के खाक हो रही, कितना दुख भी हो रहा है इस चीज़ को। हो सकता है उस फसल को बेच करके वो कोई शादी करने वाला हो उसके घर में, कुछ भी, पूरा उसका भविष्य उसी फसल पर ही निर्भर करता है। तो हम ये छोटी सी कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ पे कि आगे से हम ध्यान दें इन सब चीज़ों पे और ऐसे लोगों को अपने खेत में ना काम करने दें जो बीड़ी वगैरह पीते हों और वहाँ पे सूखी चीज़ें हैं, जैसे गेहूं है इसमें पूरा सूखा हुआ है। और एक रिक्वेस्ट साथ साथ मैं आपसे और भी करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आया था ग्रुप में कि एक देखने को मिला था कि कुछ लोग पावर हाउस पे जा कर के वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, स्टाफ्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल जो बिजली जो कट हो रही है आपके क्षेत्र में, ये जो है ना पावर हाउस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जो है ना पीछे से कटती है और वहीं से आती है। क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं जो गेहूँ जलने की, ये उसको रोकने के लिए हैं कि दिन में शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चिड़िया बैठगी तार के ऊपर चाहे कुछ भी हो, तेज़ हवाएं चलती हैं तो दिन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं शॉर्ट सर्किट के।
तो इसी वजह से हमारे किसान साथियों को फसल का कोई नुकसान ना हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी बिजली दिन में कट रही, तो हम एक अच्छे नागरिक की तरह पावर हाउस पे ना जाएं, उन जो स्टाफ है उनको गाली गलौज ना करें उनके साथ, ये मेरी आपसे विनती है। और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जो भी ये काम हो रहा है ना, ये हमारे किसान साथियों की भलाई के लिए हो रहा है, हमारे आपके लिए भलाई के लिए हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे आके दें, थैंक यू सो मच, नमस्कार।